वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा इसका अनुभव तब होगा
जब वो अपने शरीर में अपने आप को न देखे और न शरीर को अपने लिए जाने, ये शरीर मिला है ना, एक ध्यान देना, विशेष बात बताता हूँ। शास्त्रों में इस शरीर की महिमा बहुत आती है, मनुष्य शरीर की तो महिमा है, वो शरीर अपना मानना अपना मानने के लिए नहीं आई है, किंतु शरीर से संसार मात्र की सेवा की जा सकती है, इस वास्ते इसकी महिमा है। क्योंकि दूसरा कोई ऐसा शरीर नहीं कि जो वो शरीर से दूसरों की महिमा करे, दूसरों की सहायता करे, क्योंकि हरेक शरीर अपना स्वर्गादिक जो बड़े ऊंचे शरीर माने जाते हैं, वे वहाँ सुख भोग के लिए जाते हैं, तो सुख भोग के लिए जाएगा वो दूसरे को क्या देगा, वो तो स्वयं ही खाएगा, और 84 लाख के जो है वे दुख भोगने के लिए जाते हैं, वो दूसरे का दुख क्या दूर करेंगे, नरकों में जाते हैं दुख भोगने के लिए जाते हैं, भोगों से ऊंचा उठने के लिए तो मानव शरीर है, तो दुख तो किसी को दे नहीं, सबको सुख पहुंचावे, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से, अपने को पद मिला अधिकार मिला तो उससे दूसरों की सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, तो सुख पहुंचाने से ही ये सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने इसका अनुभव होता है। जैसे अपना शरीर माना जाता है तो शरीर के किसी अंश में भी कोई छोटा कांटा भी लगे तो सुहाता नहीं, मन इसमें प्रतिकूलता नहीं सुहाती, और ठीक अपना संपूर्ण शरीर में सुहाता है। इसी तरह से मात्र संसार में और उस संसार में से जितना आपने जानने में आता है संसार, उसमें कहीं दुख हो तो वैसे ही चुभना चाहिए जैसे इस शरीर में कहीं दुख हो चुभता है, ऐसे हो और अपने शरीर के मुताबिक उसको दूर करने का प्रयत्न करें। तो सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ये अनुभव हो जाएगा, और जब तक अपने शरीर को अपने कुटुंब को सुख मिले और मेरे पास संग्रह हो जाए ये भाव रहेगा, तब तक इसको याद मिलेगा और इसका अनुभव नहीं होगा। सब भूतों में मेरा शरीर है ना, ये इस शरीर में सब जगह मैं हूँ, और शरीर में कहीं पीड़ा हुई तो मेरे पीड़ा हो गई, अब दूर करता है, ऐसे सब मात्र संसार का दुख अपना दुख है। संतों के लक्षण यही आएगा, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख देखने से दुखी है, दूसरे के सुख देखने से सुखी है, अपने सुख दुख से सुखी दुखी नहीं। इस बार से बताया है कि वज्रादि कठोराणी और मृदुनी कुसुमादि, वज्र से भी कठोर है उनका हृदय संतों का, और कुसुम फूल है उससे भी कोमल है, मतलब कि अपने सहने के लिए अपना दुख सहने के लिए तो वज्र की तरह कठोर पड़वा ही नहीं, पर दूसरे का दुख हो फूल की तरह वो कुमला जाए थोड़े से ऐसे ही, इस वजह से दूसरे के दुख से कुमला जाते हैं, तो कोमल है दूसरों के दुख देखने से और कठोर है अपने दुख को सहने से, इसलिए का भाव होने से सर्वभूतस्तम आत्मानु सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, वो सब जगह सम देखता है, तो सम कैसे देखे, आत्म उपमेय सर्वत्र समम प्रसिद्धि योजना, आत्म उपमा माना शरीर की उपमा से, जैसे रामायण में आता है लखन सी रूपी रही, लखन लाल जी चित्रकूट में वहाँ रहते हैं, तो सीता और राम जी की सेवा कैसे करते हैं, जिन अविवेकी पुरुष शरीर ही अविवेकी अज्ञानी शरीर में आसक्ति वाला जैसे शरीर की सेवा करता है,
नींद नहीं पत्र मच्छर काटे तो वहाँ हाथ चला जाता है, नींद नहीं कपड़ा ओढ़ लेता है। इस शरीर की सेवा नींद में जानने में हर समय में इसको सुख कैसे हो ऐसे ही लगा रहता है। इस वजह सीताराम जी को सुख कैसे हो ऐसे लखन लाल जी लगे हैं। तो ऐसे लगने से ही लखन लाल जी का दर्जा ऊंचा हुआ। इस वजह से हम संसार मात्र में सुख कैसे हो ऐसा सोचना, ऐसा ही उद्योग करें। और दूसरे दुख दूर करने के लिए कोई सी चीज हम बचा कर रखे नहीं तो पहले से ये मान लें कि हमारे पास जो अधिकार में चीजें हैं, चाहे शरीर हो, मन हो, इंद्रियां हो, और चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, जमीन हो, ये सब की सभी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही है, अपने सुख लेने के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषयन भाई, इस शरीर का सुख लेने के लिए शरीर है ही नहीं है। न संग्रह करने के लिए शरीर है, न सुख भोग के लिए शरीर है, ये तो मात्र दुनिया की सेवा करने के लिए शरीर है। क्योंकि हमारे जो पांच ज्ञानेंद्रियां दी है ये किस लिए, उनका भोग जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे सुख लेते सुख लेने के लिए, ना सुख लेने के लिए नहीं है, ये है परीक्षा के लिए। जैसे दूसरे को सुख देता है तो सुख क्या होता है, अगर अपने को ज्ञान नहीं हो तो सुख कैसे पहुंचाएगा। तो जैसे हमारे को ये शब्द अच्छा लगता है तो वही शब्द दूसरों को कहें, जो शब्द हमें कड़वा लगता है तो वो शब्द दूसरों से न कहें। ये दूसरों के सेवा के लिए ही परीक्षा करने के लिए इंद्रियां है, सुख भोग के लिए इंद्रियां है ही नहीं। तो सुख भोग तो स्वर्ग आदि में है, यहाँ साधन करना तो साधन का, इनसे हमें ज्ञान हो जाता है कि ये अनुकूल है कि ये प्रतिकूल है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समातरित। सर्वस्व धर्म सुन लो और सुन करके उसको धारण कर लो, अपने प्रतिकूल दूसरों के आचरण मत करो। जो आपको बुरा लगता है कोई आचरण करे आपके साथ, आपको बुरा लगे तो वो आचरण औरों के साथ मत करो। अपना सुख और अपना हित ये दो हरेक प्राणी को ठीक लगता है। जिसमें सुख को पशु पक्षी आदि को ऐसा लगता है, हित किस बात में इसको भी सोच नहीं सकते। हेतु करके हित करने के लिए त्याग, ये त्याग और हित ये दो पशु पक्षी आदि में नहीं है, जीव जंतुओं में नहीं है, ये दो चीज ही मनुष्य में विशेषता है। क्या? कि दूसरों को सुख देना और दूसरों का हित करना। अपने सुख में तो लगे हुए हैं, हित का उनको ज्ञान नहीं है। इसको हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानते हैं, पर जानने पर अपना ही लेना चाहते हैं सुख। पर वास्तविक हित किस बात है, इसको पशु पक्षी नहीं जानते। वो वास्तविक मुक्ति कल्याण किसमें और बाधा किसमें है। ऐसे दूसरों का हित करे, कल्याण करे, दूसरों को सुख पहुंचावे। ऐसे पहुंचाने से सर्वभूत स्वामी अनुभव हो जाएगा। और जब तक एक शरीर को सुख पहुंचाता है, चाहना रखता है, तब तक इस बात का अनुभव नहीं होता। बातें कह रहे हैं तो अनुभव नहीं होता। और दूसरों के दुख से ही दुखी होने से, दूसरों के सुख से दुखी होने से एक विलक्षण बात हो जाएगी। दूसरों के दुख से दुखी होने से अपने संग्रह की इच्छा मिल जाएगी। जैसे संग्रह करता है अपने सुख के लिए, ऐसे उसका संग्रह होगा दुनिया मात्र के सुख के लिए। क्यों? दुनिया के सुख से उस सुख मिलता है, सुख से उससे सुख मिलता है, तो दूसरों के लिए अपना खर्च करेगा। और दूसरों के दुख से दुख होता है, इस वास्ते खर्च करेगा। और दूसरों के सुख सुख होता है तो सुख से सुख होने से सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी। सुख भोग की इच्छा के लिए संग्रह करता दो ही चीज है,
दूसरों के दुख से दुख होने पर संग्रह उसकी सेवा में खर्च होगा और सुख दूसरों के सुख होने से सुख हो जाए तो अपने सुख भोग की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सुख की खुराक दूसरों के सुखों से मिल गई और संग्रह का त्याग दूसरों के दुख दूर करने के लिए हो गया। इस वास्ते पर दुख दुख सुख सुख देख कर ये संतों के लक्षण बताए, दूसरों के सुख से सुखी है, दूसरों के दुख से दुखी है। ऐसी स्थिति होने से ही इस स्थिति होने से सर्वभूत समातम सब में मेरा स्वरूप ऐसा जीवन लग रहा है, क्योंकि स्वरूप तो सुख में है ही। गीता ने कहा है नित्य सर्वगत स्थानो अतलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविचारियो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा। ऐसा ज्ञान हो जाए सब मैं हूँ मेरे में सब है, ऐसे सब में अपने आप की स्थिति का अनुभव तभी होगा कि जैसे अपने शरीर के सुख के लिए संपूर्ण उद्योग करता है, ऐसे ही मात्र प्राणी के सुख के लिए उद्योग करे तो मात्र प्राणी का क्या पता लगे, जो आपके सामने आवे आपके जानने में जो कोई दुख दी गए उस दुख उसका दुख दूर कैसे हो ये लगन लग जाएगी और दूसरे सुख कैसे हो दुख दूर कैसे ये होने से आपकी स्थिति उसका अनुभव हो जाएगा। सर्वारंभ मतलब अपने लिए कोई आरंभ नहीं करते, अपने लिए कोई आरंभ नहीं, जिंदगी करता है दूसरों के लिए, जो पीता है तो दूसरों के लिए, सोता है तो दूसरों के लिए। अब ये बात आ रही समझ नहीं आती औरों के लिए कैसे, अन्न खाता है अन्न खाए बिना दूसरे की सेवा नहीं होगी, जब पिए बिना शरीर काम नहीं दे तो सेवा नहीं होगी, ऐसे ये थक जाएगा पड़ा तो आराम दे दो सेवा कर सकेगा, अगर सोना नहीं दिया जाए तो जो सेवा नहीं होगी, दूसरों की सेवा के लिए ही अपना लिया जाए अपने सुख के लिए कुछ नहीं लिया जाए, सब सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि अनुभव हो जाए सर्वत्र समदर्शन, जैसे अपने शरीर में अपनी समदृष्टि है कि नहीं, व्यवहार में तो हमारे अवयव अलग अलग है, हाथ अलग है पैर अलग है, हाथों के पैर एक क्रिया नहीं हो सकती कभी भी, किसी के पैर लग जाए तो हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ लिया तो माफी नहीं मांगते, हाथ जोड़ लिया साहब आपका अपराध हो गया माफ करना, पैर सामने कर दें तो माफी मांगते शरीर ही शरीर के अवयव एक काम नहीं आते अलग अलग काम होते हैं, परंतु कांटा ना हाथ में सह सकते हैं ना पैर में सह सकते, कीड़ा किसी अंग में भी हम नहीं सहते, ऐसे चारों भर आश्रमों का छुआ छूत भर उभर रहे हैं और वो कीड़ा दुख उस नाम में सह सके, इस क्षमता का आसार है तो सबको आराम कैसे मिले इसको कैसे मिले, ये अगर ठीक आपके आचरण में आने लगेगी बात तो सर्वभूत सम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा, क्योंकि सर्वत्र समदर्शन शरीर में आपका समदर्शन है, ऐसे शरीर में संसार में समदर्शन होगा, आज समदर्शन को लोग कह रहे समदर्शन गीता में कहीं एक बार भी नहीं है, समदर्शन कह ही जा रहा है यो माम पशु सर्वत्र कष्ट दिया है विदय बने सुन विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गवि सुनती वस्तुम स्वभाग्य जो पंडिता संदर्शी न आया इन्हीं संवर्ति में तो बर्ताव है, वो तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मरवा मर्यादा अनुसार करे जैसे अपने शरीर का भी है, परंतु सुख के लिए सदा ही खुला दरबार रखे, किसी को दुख न हो सब कुछ हो, इस बात के प्राप्त नाम है वह सर्वभूत हित तथा प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति हो गई है, प्राप्त होते हैं और पर हित पर से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा से नहीं अधर्म है, न
आपको झटका में आ बदू, इसलिए आप चिंता मत करो। आप ये करो कि आप अपना सुख उनके सुख में दे दो, वो होगा तो वो स्वयं चिंता करेगा। ये सामान्य दूसरा उत्तर ये है, आपकी सेवा वृत्ति से आप सेवा करोगे हित करने के सुख पहुंचाने के लिए, तो सेवा करने से असली सेवा करने से जिसको सेवा मिलती है उसके भी सेवा वृत्ति जागृत होगी, और उसकी जड़ता आती है तो आपकी सेवा में कोई कमी है, आपकी सेवा करने में भाव कमजोर है कहीं, मान बढ़ाई उससे सुख और कुछ लेना चाहते हो तब उसमें जड़ता आती है। केवल सेवा की इच्छा होगी तो उस समय खुद में सेवा की वृत्ति पैदा होगी, वो अभिचार को कुछ नहीं। मतलब आप जिस भाव से दूसरे की सेवा करते हैं तो वस्तु ही उसके पास में नहीं जाती है, उसके पास में आपका भाव भी जाता है, वो भाव उसके पैदा होगा स्वतः। जैसे मैंने देखा है कि जो सत्संग करने वाले भाई हैं, जिन लोगों ने सत्संग किया है ना, उनका दूसरों के हित का भाव पैदा होता है, हुआ है, ऐसा हमारे देखने में आया। तो सत्संग क्या कि दूसरों के हित कैसे हो, इनको बोध कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनको सुख कैसे मिले, ये भाव होता है सत्संग में। तो सत्संग सुनने वाले में भाव दूसरों के कल्याण कैसे हो, दूसरों के हित कैसे हो, ये भाव पैदा हो गए। अगर नहीं होता है तो सोचना चाहिए हमारे में कोई भी कमी है, हम सेवा करते नहीं है, व्यापार करते हैं, मान देते हैं मान पाने के लिए, दान देते हैं उसे जो सेवा लेने के लिए, दान देंगे तो भी अपने सगा संबंधी उनके ब्राह्मण को दो, अथवा जो ब्राह्मण हमारा काम करता है उसको दो, ऐसा दे दो जड़ता लाए जाऊंगे तो क्योंकि आपने जड़ता ही भरी है, भरी देर में तो जड़ता ही वहां पहुंचेगी। आज दान कुछ करते हैं तो कुछ वो करते हैं, जो आप काम है उसको दान करते हैं, अपने काम नहीं है उसको दान क्यों दिया जाए। एक बम्बई की बात बताऊं, बीती हुई मैं वहीं था बम्बई में ही, तो एक उसका पैसा काका था, उसका भतीजा था घर पर, अच्छे धनी आदमी है, तो कहा कि पीछे से अमुक अमुक संस्था वाले को चंदक लिया आवे तो तुम चंदक दे देना, ऐसे कह रहा था। फिर मिला तो दिया ना, नहीं दिया मैंने भी, दूसरा तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि तो हमारे क्या काम आते हैं जो कहते हैं, नाम तो मैं समझता था नहीं, मेरे नाम याद है। इसे उत्तर भतीजे ने ये दिया कि अपने उसको पैसा क्यों दे, किस काम आते हैं, कोई काम नहीं आता अपना, फिर उसको क्यों दिया जाए। काम आए उसको दिया जाए, वो दान होता ही नहीं, वो तो मजदूरी होती है, उसका नाम दान कैसा होगा। तो इतनी स्वार्थ वृत्ति हो गई है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, हम क्यों करें सेवा। असली आप सेवा करोगे तो किसकी सेवा करोगे उसके भीतर सेवा वृत्ति पैदा होगी। आप यू विचार करो, गांधी जी ने सेवा करी तो गांधी जी के प्रचार से लोगों में सेवा वृत्ति पैदा हुई कि नहीं हुआ, क्यों हुई, उनकी बात ही सेवा करनी। पुराने उनकी बात थी कि वो गाड़ी में जा रहे थे रेल में, तो किसी ने थूक दिया, वो उसके लिए बाहर फेंक दिया, गाड़ी से उतरे तो कोई कुली है, कुली है कोई क्या उठा ना आता, तुम नहीं खा दो। ये जो वृत्ति है ना, तुम सुख सुख पहुंचे तो उनके द्वारा कितने दुनिया में सेवा हुई। सत्य हृदय से आप सेवा करोगे तो जिसकी सेवा करोगे उसके हृदय में सेवा वृत्ति पैदा होगी, और जो करेगा उसकी सेवा वृत्ति पैदा होगी।
अपने आचरण से ही संसार में सदाचार का प्रचार होता है और अपने दुराचार से संसार में दुराचार का प्रचार होता है। सदाचार और दुराचार की ये पाठशाला है, आप करोगे तो होगा, देखिए ये सदाचार सीखने की है। आपके दुनिया में जो आदमी मुख्य माना जाता है वो आचरण करता है, वो समाज पर आसन स्वतः होता है। ये धनी आदमी अपना ही धन रूपना चाहते है, मेरे भी धन हो जाए तो दुनिया मात्र पैदा हो गई, मेरे को धन हो जाए, मेरे हो जाए, मेरे हो जाए, सब काम करेंगे।